मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, पिछला जो हमने सेशन किया था जी उस पर किसी साहब ने कमेंट किया था कि इंग्लिश में उसने कमेंट किया था, कहा था कि देर इज नो प्लेस फॉर सूफिज्म इन इस्लाम, देर इज नो सही प्लेस फॉर सूफिज्म इन इस्लाम। जी तो मैं कहता हूं कि देर इज नो इस्लाम विदाउट सूफिज्म। अल्लाह अल्लाह अकबर, हक फरमाया सर, हक आप समझ रहे फरमाया हैं? बिल्कुल। ठीक है, असल देर इज नो इस्लाम विदाउट सूफिज्म। में तसव्वुफ को सर निकाल कर वहां इस्लाम में वहां बचता बिल्कुल, क्या है, ये बताएं। उन्होंने उनको शायद तसव्वुफ और इन सब की डिफिनेशन ही गलत प्रोवाइड की गई है, और इसलिए उनको लगता है कि तसव्वुफ हो या सूफिज्म हो या जिस तरह से हम आम अल्फाज में कहते हैं सूफी बुजुर्ग हैं, तो उनको लगता है कि कोई शिर्क की तरह बात हो रही है, जबकि उनको पता ही नहीं असल तौहीद तो मिलती ही यहीं पे है। नहीं, असल में ये अर्थ कर रहा था कि असल में इनको डिफिनेशन जो है ना वो तसव्वुफ की दी ही वैसे गई है कि इनको इल्म ही नहीं है तसव्वुफ है क्या। एक बेसिक डिफिनेशन ही अगर पता होती तो एटलीस्ट वो ये ना कहते, तो शायद उनका कसूर नहीं है, उनके आकाओं का कसूर है जिन्होंने उनको वैसी डिफिनेशंस प्रोवाइड किए। जी लेकिन मैं समझता हूँ इसमें दो चीजें हैं। मतलब आम तौर पर लोगों के अजहान में जो तसव्वुफ के रिलेटेड मसाइल खड़े हैं, या आवाम जो तसव्वुफ से बेजार है, माज़ अल्लाह, मुखालिफ आवाम, मैं समझता हूँ कि उसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो उनकी अपनी लाइल्मी है, अपनी जहालत है कि उन्होंने तसव्वुफ को पढ़ा बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर वो तसव्वुफ को तसव्वुफ के मसादिर से पढ़ते हैं, बुजुर्गों की कुतुब से पढ़ते, बुजुर्गों के अहवाल से पढ़ते, बुजुर्गों की सीरत से पढ़ते, तो शायद ये बात वो ना करते कि इस्लाम हैज नो लिंक विद तसव्वुफ। दूसरी वजह जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने ऐसी बात कही कि तसव्वुफ की इस्लाम में कोई जगह नहीं है, मैं समझता हूँ दूसरी वजह ये है कि वो मुतासिब हैं, उन्होंने सूफिया की सोहबत कभी इख्तियार की ही नहीं। ठीक है, अगर वो किसी सूफी की सोहबत में बैठते तो उनको पता चल जाता कि तसव्वुफ है क्या। तीसरी वजह जो मैं समझता हूँ, तसव्वुफ के एतबार से उन्होंने ऐसी बात क्यों की कि तसव्वुफ का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो कहीं ना कहीं जो फेक सूफीज हैं, चूंकि हमारी प्रोग्राम का जी उनवान ही है सेपरेटिंग फैक्ट फ्रॉम फिक्शन, ठीक है, हकीकत को जो है ना फिक्शन से दूर करना, तो कहीं ना कहीं फेक सूफिया का इसमें बड़ा रोल रहा, उन्होंने तसव्वुफ को डिफेम करने में जरा बराबर भी कसर नहीं रखी। ठीक है, अब इन मसादिर को अगर वो देखते मुखालिफिन, जहां पर बुजुर्ग ये फरमा रहे हैं अतसव्वुफ खुलकुन, कि तसव्वुफ अखलाक है, अब मुझे ये बताएं, बस इस डेफिनेशन को मद्देनजर रखते हुए, क्या ये इस्लाम से नहीं 0.5% भी हटके है? बिल्कुल भी, ऐनी शरीयत ये तो है इस्लाम की तालीमात है। अखलाक पर तो इस्लाम ने बिल्कुल जोर दिया, आका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर दिया, वा इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और हुजूर ने सुभान फरमाया अल्लाह इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं तो अखलाक के मुकम्मल करने के लिए ही मबूस किया गया हूँ। तो यही अल्लाह तसव्वुफ है, अकबर अल्लाह अकबर। अच्छे अखलाक तसव्वुफ है। आपने तसव्वुफ किस चीज को नाम दिया है?